नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। डीएम के आदेश पर अलीपुरा के कब्रस्तान से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्र खुदवाई गई। बदबू से बचने के लिए कब्र पर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। भारी लोगों की मौजूदगी में लाश को कब्र से बाहर निकाला गया। दरअसल सैदपुरी निवासी एक लड़की का विवाह कई साल पहले अलीपुरा निवासी इरफान के साथ हुआ था, जो सऊदी में अपना कारोबार करता है। लड़की पक्ष के अनुसार 10 अप्रैल को इमरान और उसका दोस्त सुलेमान विवाहिता को अलीपुरा लेकर आया था। 12 अप्रैल को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिजनों ने लड़की को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ इमरान और उसके साथी पर रेप का संदेह व्यक्त करते हुए हत्या करने की बात कही। ससुराल पक्ष के लोग फांसी लगाकर आत्महत्या की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने एक माह से अधिक पुरानी शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई का खुलासा हो पाएगा। खैर, नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन कब्र से लाश निकाले जाने की चर्चाएं चारों ओर हो रही है। ये पिछले महीने 12 तारीख के एक महिला की मृत्यु हुई थी अलीपुरा में। कुछ दिन पहले उसके देह हत्या का मुकदमा लिखवाया गया है और कोर्ट से मजिस्ट्रेट के उसका पीएम कराया जाए ताकि मृत्यु का सही कारण पता लगाया जा सके। आज बॉडी निकाली गई है, पीएम होगा, उसके बाद ही मृत्यु का कारण पता लग पाएगा, क्योंकि लड़की पक्ष कह रहा है कि उसका गला दबा के मारा गया, मर्डर किया गया है, और लड़का पक्ष ये कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, लड़की ने खुद ही फांसी लगाई थी। तो ये चीज़ें पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, उसके बाद सही है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, हत्या कर गई उसकी लड़की? हत्या करी है साहब, मजार गए तो जहाँ इन्होंने खुमकी बता रखी होगा, 5 फुट की खुमकी, वहाँ के फर्स्ट खड़े गए लड़के हमारे सब बता देने वाली के लिए आए, तो वहाँ फर्स्ट खाने का साथ लड़की का। उस वक्त आप नहीं आए थे? उस वक्त आप नहीं हम आए थे, लेकिन इस जनाजा तैयार थे जब आए थे। अच्छा सर, अगर फिर लोगों ने बोला मट्टी भरी देगी वो हो जाएगा, चलो भाई जैसे तुम बताओ। उन्होंने माफी भी मांग ली थी, मैंने भाई लगा वास्ते में माफ। फिर दफनवाई होती थी, लड़के का नाम क्या? लड़के का नाम इरफान, जो एक आदमी था। हाँ, वो रहा सऊदी।